हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की नालंदा विश्वविद्यालय की इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी के लिए एंड बाकी भी कोर्सेज हैं तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को हम हाँ इसमें बात करेंगे पी एच डी इन्फॉर्मेशन की पी एच की बट बाकी कोर्सेज में इंटरेस्ट हो तो आप वेबसाइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं लास्ट डेट एज ऑफ नाउ मैंशन कहीं पर नहीं की गई है बट येस आप देखेंगे अप्लाई करने का ऑप्शन अभी है सो येस

ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा इस पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे सीट एंड सब्जेक्ट्स की मिलेंगी सो so, पहले मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन है आफ्टर दैट यहाँ पे है पी की इन्फॉर्मेशन सो पी एच डी अवेलेबल है वर्ल्ड लिटरेचर में सो पी एच डी इन वर्ल्ड लिटरेचर ड्यूरेशन फोर ईयर्स देन पी एच डी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फोर ईयर्स का ड्यूरेशन है देन इकोलॉजी एंड एन्वायरमेंट स्टडीज हिस्टोरिकल स्टडीज़ बुद्धिस्ट स्टडीज फा एंड कम्पेरेटिव रिलीजनस एंड पी एच डी इन हिंदू स्टडीज़ सनातन ओके सो ये आपके ओवरऑल कोर्सेज हैं आई कैन से पी एच डी में अप्लाई करना होगा तो यहाँ हेयर का ऑप्शन है अभी हम पोर्टल देखेंगे उससे पहले यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश आनी चाहिए आपके पास कॉम्पिटेंस हाई लेवल की होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में सो so अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या हिंदी स्पीकिंग है तो उस केस में आपको ये जो टेस्ट स्कोर है वो देना होगा एंड बाकी आप एक बार मेल करके इसे कन्फर्म भी कर सकते हैं ओके okay, सो so इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे पोर्टल उससे पहले यहाँ पे आपको मेन्यू टैब दिख रहा है अभी हम इस पर देखेंगे बाकी इन्फॉमेसन उससे पहले अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी ओपन है राइट right? आप अभी भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं कोई भी क्वेरी है आपको तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट आईडी अगर आप फॉरेन है इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं सो सेकंड आईडी ऑब्वियसली सो यस अब हम ओपन करते हैं टैब इसमें आपको एडमिशन का सेक्शन दिखेगा इसे एक्सपैंड करिएगा एंड आफ्टर दैट आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे सो so, अगर आप चाहते हो एलिजिबिलिटी देखना तो आप वो देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर ब्रोशर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन सो so, ब्रोशर ऐसा सेपरेट नहीं है जो भी हमने होम पेज अभी देखा वही पेज ब्रोशर पर पे क्लिक करने पर ओपन हो रहा है राइट सो चलिए ओपन करते हैं क्राइटेरिया सबसे पहले सॉरी फॉर दिस यस। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया सो येस नाउ दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले मास्टर्स के लिए है आफ्टर दैट वेट आई थिंक येस सो दिस इज फॉर मास्टर्स प्रोग्राम ओके आफ्टर दैट यहाँ पे है एम बी ए का देन पी एच डी से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन सो एलिजिबिलिटी एंड सेलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पी एच डी लेवल एडमिशन सबसे पहली बात फुली रेसिडेंशियल तो है साथ में फेलोशिप या स्टाइपेंड है थर्टी फाइव थाउजेंड इंडियन रुपीज पर मंथ राइट आफ्टर दैट यहाँ है फोर ईयर्स का आपका डॉक्टर प्रोग्राम है फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए फुली रेजिडेंशियल पार्ट टाइम भी चाहे तो आप कर सकते हैं इसमें रेसिडेंस नहीं मिलता है ओके आफ्टर दैट है एसेंशियल क्राइटेरिया सो मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ या इक्वेलेंट सी जी पी ए हो साथ में अगर आपने मास्टर्स लेवल पर रिजर्वेशन किया हो तो ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा ठीक है होना चाहिए रिजर्वेशन आई थिंक होगा भी अगर आपने मास्टर्स किया है या एम फिल डिग्री है सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं नेक्स्ट आपको देखिए ले, एक लेटर सबमिट करना होगा लेटर ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बतानी होगी आपको जीए? चीज़ें राइट एंड साथ में दो लेटर्स आपको रिकमेंडेशन के रेफरेंस के भी सबमिट करने हैं एलॉन्ग विद यू हैव टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्प एसओपी एस वेल एसओपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे लिखा है कि एसओपी शुड क्लियरली स्टेट द रीजन फॉर ऑप्टिंग द कोर्स एंड आप क्यों चूज कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन को क्यों इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं ये होता है एंड यही एक्चुअली एसओपी होता है आई आई टीज वगैरह में भी आप सबमिट करते हैं तो आप पहले गूगल कर लीजिएगा अगर आपको फॉर्मेट का आइडिया नहीं है तो आप एक आइडिया ले सकते हैं ठीक है थीके? यहां पर आपको सबमिट करना है एसओपी एस ओ पी में एक लाइक क्रक्स होता है अपने बारे में बेसिक चीज़ें आप चाहें तो बता सकते हैं लाइक आप इसी कोर्स में इंटरेस्ट क्यों है आप इस स्पेशलाइजेशन में वर्क क्यों करना चाहते हैं आपने ऑलरेडी वर्क किया है एंड आप इसी से रिलेटेड एरियाज में वर्क किया है तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं दैट्स एम इंटरेस्टेड एंड आई एम ऑप्टिंग फोर दिस कोर्स एंड क्यू नालंदा यूनिवर्सिटी दूनिवर्सिटी ये भी आपको उसमें मैंशन में करना होगा बट येस yes, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए एक लेटर ऑलरेडी सबमिट करेंगे तो इसे ब्रीफ कर सकते हैं आप एस ओ पी में नाव डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल भी आपको सबमिट करना है सो so देख लिया आपने एस एंड प्रपोजल डिफरेंट होता है प्रपोजल में आप वो बताएंगे जो आप करना चाहते हैं पी में बट एस अभी तक आपने जो किया एक तरह से उसका समअप होता है बताते हैं आपने क्या किया अभी तक उसके बेसिस पे आप ये एरिया चूज कर रहे हैं और आप ये इंस्टीट्यूशन चूज़ कर रहे हैं ठीक है और भी जो भी रीजंस हो वो भी बताएंगे आप ओके okay, एंड इसमें प्लैक चेक भी होगा तो आपको प्रॉपर अच्छे से रिसर्च प्रपोजल बनाना है देन आपको एविडेंस भी सबमिट करना अगर आपने कोई लाइक रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह किया है तो उस केस में अगर पब्लिश पेपर है तो वो अदरवाइज राइटिंग सैम्पल्स भी आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं देन इंटरनेशनल एप्लीकेंट है तो आपको टी ओ या फिर आपको सभी like ये सभी लाइक ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होता है बेसिकली तो कोई ना कोई स्कोर आपको सबमिट करना होगा इंडियन के लिए आज सच नहीं मैंशन है ओके सो येस आफ्टर दैट यहाँ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स हैं पार्ट टाइम करना चाहते तो आपके लिए क्राइटेरिया है सिक्सटी मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए मिनिमम एट टू टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको भी ये सभी लेटर्स सबमिट करने हैं एंड यस बाकी फॉरवर्ड होना चाहिए एनओपसी वगैरह भी सबमिट करनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उसके इसमें इंग्लिश के जो टेस्ट है वो भी उसके स्कोर्स भी आपको सबमिट करने हैं ओके सो यस ये था पीएचडी का क्राइटेरिया अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नाओ इंस्ट्रक्शन सो एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करने के इंस्ट्रक्शन से देखिए पेपर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा ऑनलाइन ही अप्लाई करना है उससे पहले यहाँ पर क्राइटेरिया देख लीजिएगा क्या फुलफिल करते हों राइट एंड देन आपको किसी एक प्रोग्राम को ही सेलेक्ट करना है एक से ज़्यादा को करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा में तो उसके इसमें सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा सिर्फ इंग्लिश में फिल करना है अनलेस स्पेसिफाइड है कि हाँ हिंदी या किसी और लैंग्वेज में करना है देन कंप्लीट कर लीजिएगा केयरफुल फिल कीजिएगा गलती मत कीजिएगा एंड बाकी भी कुछ पॉइंट सो इन्हें देख लीजिएगा एक बार कोई इशू है सो आप एडमिशन ट्वेंटी रेट नालंदा ईडी मेल कर सकते हैं यहाँ पे भी अप्लाई हेयर का ऑप्शन है ओके सो यस इसके बाद एडमिशन प्रोसेस है देन फी स्ट्रक्चर ब्रोशर शॉर्ट टर्म कोर्स एफ ए क्यू एफ ए क्यूज देख लीजिएगा हम बहुत ही ब्रीफली प्रोसेस एंड एंड एफे, फी एफे, को देख लेते हैं सो यस यहाँ पे देखिए पी एच डी के लिए प्रोसेस वगैरह क्या है प्रॉपर uh, जो प्रोसेस है वो पेपर लेस होता है ऑनलाइन ही होता है ओके okay, एंड बाकी एस वगैरह आपको सबमिट करना होगा अपलोड करना होगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पोर्टल का लिंक फिर से दिया हुआ है आप एप्लीकेशन फॉर्म एस जो कि फ़िल करेंगे वो सभी इस ई मेल आई डी भी भेजेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको मेल भी करना है ओके एस एंड ड्यूली फिल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फीस रुपीज़ फाइव एंड ये आप नेफ्ट आर के थ्रू पे कर सकते हैं यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल्स दिख रही हैं ओके ये जो डिटेल्स होंगी पेमेंट का अप्रूव जो होगा वो भी आपको इस ई मेल आई मेल करना है ओके देन डायरेक्टली सीम्स इंटरव्यू ही है जो कि आप स्काइप के थ्रू देंगे ओके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है बाकी आप कन्फर्म कर लीजिएगा एंड देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है फिर है सिलेक्शन कैसे होता है कैंडिडेट्स का तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन तो इंटरव्यू होगा ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है एंड देन आपको रिकमेंड किया जाएगा अगर आप का जो भी इंटरव्यू है वो अच्छा जाता है ओब्वियसली बट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एंट्रेंस का भी ऑप्शन ठीक है तो इसीलिए आई सर कि ये अभी कंफर्म बाद में होगा जब एक्चुअली ब्रोशर तो ऐसा दिया नहीं है ठीक है तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं आप मेल करके कन्फर्म कर सकते हैं इंटरव्यू तो होगा ही बट एंट्रेंस भी होगा या नहीं अगर आप पूछ पाए तो वेरी गुड अदरवाइज़ जब फाइनल फा, जो लाइक स्क्रीनिंग के बाद जो अपडेट आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि आपका एंट्रेंस होगा या नहीं होगा राइट अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की सो so, यस yes, ये है फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फॉर एमबीए हम बात करेंगे पीएचडी की सो यस ऑब्वियसली हमें स्क्रॉल करना होगा सो ये देखिए सिक्स थाउजेंड एडमिशन फी है जो फर्स्ट टाइम लगेगी देन फोर्टी थाउजेंड ट्यूशन फी है जो हर सेम में लगेगी ओके वन सेम फोर्टी थाउजेंड एंड उससे ज़्यादा ही लगेगा मिसलेनियस की ट्वेंटी है देन यहाँ सिक्योरिटी डिपोजिट है सिक्स का वन टाइम होता है एंड टोटल आप देखेंगे तो फिफ्टी अराउंड है एक सेमेस्टर एडमिशन के टाइम का ठीक है उसके बाद से हर सेम फोर्टी थ्री थाउजेंड है ईयर वाइज टोटल देख सकते हैं वन लाख है अराउंड ठीक है नाइन्टी सेवन थाउजेंड है फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में है एट्टी फाइव थाउजेंड एंड आई थिंक उसके बाद भी सेकेंड ईयर ही कंटिन्यू होगा ओके एंड यस दैट इज़ इट आई थिंक आइज देखिए एक बार एफ उसको पढ़ लीजिएगा बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स या सीट्स की इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं दी है बट हाँ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं अवेलेबल हैं बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग